वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट स्पाई गार्ड एंड सॉकेट जॉइंट असेंबली। अब इस आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि स्पाई गार्ड एंड सॉकेट जॉइंट की असेंबली कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन पे इसका डिटेल देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पर हमें डिटेल दी गई है बेटा। तो चलिए ये हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन है। तो अब जब ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, ये स्पाई गार्ड है, ये हमारा स्पाई गार्ड है। तो यहाँ पर स्पाई गार्ड के पैरामीटर्स हमें मेंशन किए गए, तो मतलब कि ये जो हमारा डाया है फाई, जिसे हम पिछले वीडियो की असेंबली में डी से इंडिकेट किया था, तो ये हमारा डी इक्वल टू क्या है बेटा, फाई, डी इक्वल टू 25 दिया गया। और सारी डाइमेंशंस बेटा इसकी जो भी होती हैं ये mm पर होती हैं। अब इसके बाद फिर इसके बाद क्या है कि ये जो हमारा कॉलर है, इसका स्पाई गार्ड का जो कॉलर है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, तो उसकी डिस्टेंस या इसकी थिकनेस कितनी दी गई है, 12 mm दी गई है। फिर यहाँ से यहाँ तक 22 mm हमें चलना है, तो 22 mm हमें चलना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका इस तरह से यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, कार्टर लगा हुआ है। तो जब यहाँ पर हमारे कार्टर लगा हुआ है और फिर इसके बाद स्पाई गार्ड का पूरा हमारा क्या है, गाट गई है। ये तो स्पाई गार्ड की पैरामीटर्स हो गए एंड फंक्शन हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्टर लगा हुआ है, ये 25 mm की कोई भी जाड है। फिर इसके बाद इसके अंदर जो जाड है, तो उसका डाया कितना है, 32 mm दिया गया है, मतलब 32 mm दिया गया है। तो यहाँ और ये जो सॉकेट के अंदर का डाया है, तो ये भी हमें 32 mm दिया गया है, ये भी हमें सॉकेट के अंदर जो जाड हमारी गई है तो वो 32 mm है। लेकिन ये जो हमारा सॉकेट का काला है बेटा, तो ये सॉकेट का कॉलर हमें कितना दिया गया है, 64 mm डाया का दिया गया है, 64 mm डाया का हमें गिवेन है। फिर इसके बाद ये फिर जो हमें आउटर दिया गया है सॉकेट का, जो इसको कवर कर रहा है इस पूरी बॉडी को, तो उसका डाया कितना दिया गया, 44 mm। फिर इसके बाद यहाँ से जहाँ से हमारा सॉकेट ख़त्म होता है, वहाँ से पूरी इंड तक की दूरी कितनी है सॉकेट की, तो वो 80 है। तो 80 है, तो यहाँ से 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी आएगी बेटा, 60 आएगी। तो 60 मेंशन है, ये हमारा सॉकेट है। फिर इसके बाद यहाँ पर टेपर दिया गया है, तो ये काटर हमें दिया गया है, तो काटर के लिए हमें ऊपर के साइड की लेंथ कितनी दी गई है, 34, नीचे की 26। तो ये हमें यहाँ पर टेपर शो हो रहा है, दिखा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर कितनी इसकी थिकनेस कितनी दी गई है, थिकनेस इसकी 6 mm हमें दी गई है। तो ये काटर है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी असेंबली सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, फिर इसके बाद इसका साइड व्यू बनाएंगे, फिर इसके बाद इसी का टॉप व्यू बनाएंगे। तो चलिए ड्राइंग शीट पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, कि एक रेफरेंस लाइन ड्रा करनी है। तो चलिए रेफरेंस लाइन ड्रा करते हैं। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन बना ली। अब रेफरेंस लाइन पर हमने क्या किया कि कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, तो मैंने इस यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एक लाइट लाइन वर्टिकल ड्रा करूँगा। इस तरह से हमने क्या किया कि एक लाइट लाइन यहाँ से ड्रा कर ली। अब इसके बाद क्वेश्चन पर हमें क्या बोला गया है कि डाया कितना दिया गया है, ये शाफ्ट स्पाई गार्ड हो या सॉकेट हो, दोनों में डाया हमें 25 mm दिया गया है। तो ये 25 mm दिया गया है, तो 25 mm है, तो यहाँ से 12.5 mm रेफरेंस लाइन के ऊपर एंड 12.5 mm रेफरेंस लाइन के नीचे, चलिए लेते हैं। यहाँ पर मिला मुझे एंड यहाँ पर मिला, डाया मुझे यहाँ पर मिला और यहाँ पर मिला। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, तो इसके अंदर जो जाड जा रही, तो जाड का डाया कितना है, 32
mm, चाहे ये स्पाई गार्ड में हो या साकेट में हो, तो कितना है 32। तो 16 mm ऊपर, 16 mm नीचे, रेफरेंस लाइन से 16 mm ऊपर एंड 16 mm नीचे। तो मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पर 16 mm और कुछ यहाँ पर मुझे 32 mm मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि फिर इसके बाद हमें एक डाया और दिया गया है, तो कितना दिया गया है 44 mm, जो हमारे साकेट को कवर करेगा। तो 44 mm, 22 mm ऊपर, 22 mm नीचे। तो चलिए इस तरह से हमें क्या मिल गए, 44 mm का हमने डाया मेंशन करा लिया। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन पे दिया गया है साकेट का जो कॉलर का डाया दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है 64 mm। तो 64 mm के लिए 32 mm ऊपर रेफरेंस लाइन से, 32 mm नीचे इस तरह से। इस तरह से हमने क्या किया कि 32 mm ऊपर, 32 mm नीचे ले लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ से अब वर्क करना, बनाना स्टार्ट करना। तो जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे वर्क होता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो लाइन है, रेफरेंस लाइन है, इसी को रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से हमने शाफ्ट के लिए लाइन्स ड्रा किए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि इस वर्टिकल लाइन्स को रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से एक लाइन्स हमने ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें यहाँ से ये जो साकेट स्पाई गार्ड का कॉलर है तो 12 mm दिया गया है, तो 12 mm यहाँ से हम चलेंगे। तो कितना चलेंगे बेटा, 12 mm। यहाँ पे मुझे 12 mm मिला और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इस तरह से लाइंस को ड्रा कर दिया। इस तरह से हमने लाइंस लाइट लाइन बना ली। अब इसके बाद इस साकेट के कॉलर का हमें डाया कितना दिया गया है बेटा, तो साकेट के कॉलर का हमें डाया कितना दिया गया है, तो ये डाया हमारा कितना होगा, साकेट के कॉलर का डाया हमें कितना दिया गया बेटा, तो ये बताइए आप लोग, देखिए कितना दिया गया है। तो साकेट के कॉलर का डाया हमें 44 mm दिया गया है। तो ये साकेट स्पाई गार्ड का है तो इसका डाया हमें कितना दिया गया है, 44 mm। तो 44 mm कौन सा है बेटा हमारा, यहाँ पर है। तो यहाँ से हमने इस तरह से प्रोजेक्शंस लिया, इस तरह से प्रोजेक्शंस हमने ले लिया, नीचे भी आए। तो इस तरह से हमें क्या करना है बेटा कि प्रोजेक्शंस हमें ले लेना है नीचे भी। इस तरह से हमने एक लाइट लाइन इधर भी खींची एंड प्रोजेक्शन शो करा दी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्पाई गार्ड का कलर बन गया। और यहाँ से इस तरह से हमें क्या करना है, हल्का सा कर्व का रूप दे देना है, चैम्फरिंग कर देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पर चैम्फरिंग भी कर दी। अब इसके बाद हमें यहाँ से कितना चलना है आगे, यहाँ से हमें कितना चलना है, तो ये हमें 22 चलना है, यहाँ से हमें 22 चलना है। लेकिन हम चलेंगे कितना बेटा, 25। तो अब ये 25 कैसे, ये 25 है, इस साकेट को भी देखेंगे तो यहाँ से हमें 25 दिया गया है। तो चलिए 25 चलते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पर मुझे 25 mm यहाँ पर मिला। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहीं से एक रेफरेंस लाइन लेते हुए यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन्स ड्रा कर दी। अब इसके बाद ये कितना डाया का दिया गया है बेटा, ये 64 डाया का दिया गया है। देखिए आप लोग भी क्वेश्चन पे, ये हमें 64 का दिया गया है। तो 64 प्रोजेक्शंस लेते हुए यहाँ से हम
इस तरह से लाइंस खींचेंगे। यहाँ से भी इस तरह से हमने लाइंस ड्रा कर दी, और फिर यहाँ से भी एक कर्व का रूप इस तरह से, एंड यहाँ से भी कर्व का रूप इस तरह से हमने दे दिया। अब इसके बाद इन सारी लाइंस को हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे। इस तरह से हमने क्या किया कि इन लाइनों को हटा दिया, क्योंकि अब इनकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसको भी हमने क्या किया कि प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्शन शो करा दिया कि यहाँ से हमने इतना प्रोजेक्शंस लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि अब हमने हमें यहाँ से ये जो कितना है 32 mm की जो हमें राड गई है, तो इसका भी प्रोजेक्शन लेके इसको भी हमें इंक्रीज करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से हमें प्रोजेक्शंस लेके हमने क्या किया कि यहाँ से भी एक लाइन इस तरह से ड्रा कर दी। इस तरह से यहाँ तक हमने लाइन को ले लिया, और यहाँ पर ये हमारी क्या प्रोजेक्शंस लाइंस आ गई। फिर इसके बाद ऊपर आए इस पॉइंट पर, और यहाँ से भी हमने इसको रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद 32 mm वाले पॉइंट पर आए, और यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्शंस लाइंस को हमने ड्रा किया, एंड इस तरह से हमने लाइंस भी यहाँ पर बना दी। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया कि ये राड बना ली। अब इसके बाद कार्टर हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्टर के लिए स्पेस दिया गया है, एंड यहाँ पर भी हमें कार्टर के लिए स्पेस दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लाइंस बनाएंगे, कार्टर बनाएंगे। तो अब कार्टर के लिए हमें कितना दिया गया, हाइट कितनी दी गई, लेंथ कार्टर की 100 mm। तो चलिए 100 mm हमें लेंथ दी गई है, तो सेंटर से 50 mm ऊपर से 50 mm नीचे मेजर करते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर मिला, पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ से हमें कितना दिया गया, 34 mm 26 mm 34 mm। तो यहाँ से हम क्या कितना चले 34 mm। इस तरह से हम 34 mm चले। फिर इसके बाद यहाँ से 26 mm 26 mm चले, एंड फिर क्या किया कि इस लाइंस को हमने इस पॉइंट से मैच करा दिया। इस तरह से हमने इस लाइन को इस पॉइंट से मैच करा दिया। अब मैच कराने के बाद यहाँ पर एक जो थिकनेस हमें 6 mm दी गई है, तो उसी पे हम हल्का सा कर्व बना देंगे। फ्री हैंड बनाना होता है, इस तरह से हमने कर्व का रूप दे दिया। अब इसके बाद यहाँ से ये जो हमारा साकेट है, तो साकेट से कितनी लेंथ दी गई है, पूरी 80 mm दी गई है टोटल। तो जिसमें क्या है 60 mm हमारा क्या है ये राड है। फिर इसके बाद 20 mm पे हमारा क्या है साकेट के ऊपर से 44 mm डाया कवर का राड। तो चलिए यहाँ से इस पॉइंट से हम कितना मेजर करेंगे, 80 mm सीधे मेजर करते हैं। अस्सी mm हमें यहाँ पर मिला, एंड 60 mm हमें यहाँ पर मिला। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आएंगे, और यहाँ से कुछ इस तरह से हम लाइंस ड्रा करेंगे। तो यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा बेटा कि इस तरह से ये लाइंस हमारी यहाँ तक आके मैच हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हमें इस लाइन से भी हमें एक वर्टिकल लाइंस इस तरह से ड्रा करना है,
यहाँ से इस तरह से हमने एक वर्टिकल लाइंस को ड्रा कर लिया, क्योंकि अब हमारा यहाँ से ये कितना है बेटा 20 mm है, यहाँ से ये हमारा 20 mm है और ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 60 mm है। अब इस पर हम क्या करेंगे बेटा, 3 से 5 mm के बीच में हम क्लियरेंस दे देंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लियरेंस कितना है, तो क्लियरेंस की बात नहीं की गई है, तो हम कितना दे देंगे 5 mm हम दे देंगे। 3 भी आप दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 5 mm भी आप क्लियरेंस दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से यहाँ पर क्लियरेंस दे दिया। अब इसके बाद क्लियरेंस हमें इधर भी देना है, ये राड्स का क्लियरेंस है, अब यहाँ पर भी हमें क्लियरेंस देना है, तो यहाँ पर मैं 3 mm का क्लियरेंस दे दूंगा इस तरह से। और इसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस तरह से एक लाइन हम ड्रा कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से भी हमें अब प्रोजेक्शंस लेना है डाया का, जो हमें डाया 25 mm दिया गया है। तो इस तरह से मैंने प्रोजेक्शंस लेके इस तरह से यहाँ से लाइन्स ड्रा की एंड प्रोजेक्शंस लेके यहाँ से भी हमने एक लाइन्स ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा डाया कितना था 44 mm का, तो इसको रेफरेंस लेते हुए लाइंस को हमें इंक्रीज करना है और इसको हमें इस तरह से यहाँ से क्या करना है बेटा, कवर करना है। तो इस तरह से हमने कवर कर दिया और यहाँ से हमने इस तरह से प्रोजेक्शंस शो करा दिया कि कहाँ से कहाँ तक है, ये पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा। और यहाँ से भी हमने रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेने के बाद इस पॉइंट से हमने क्या किया कि यहाँ तक जॉइंट किया, इसके बाद यहाँ से हमने प्रोजेक्शंस दिखा दिया। तो इस तरह से हमारे ये पार्ट्स जॉइंट हो चुके हैं और इस लाइंस को हमें रफ कर देना। चलिए रफ कर दिया। अब रफ करने के बाद यहाँ से भी हमें क्या है, चैम्फरिंग दे लगानी है यहाँ से भी एंड यहाँ से भी इस तरह से एंड यहाँ से भी इस तरह से। तो ये हमने चैम्फरिंग कर दी। अब इसके बाद इस लाइंस को हमें रफ कर देना है। रफ करने के बाद अब यहाँ पे हमें ब्रोकन सिस्टम दिखाना है, तो चलिए हम यहाँ से अब इस तरह से ब्रोकन सिस्टम्स दिखा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से हम ब्रोकन सिस्टम हमें इधर भी दिखाना है। तो इतने पार्ट्स को हमें क्या करना है, रफ कर देना है और यहाँ पर भी ब्रोकन सिस्टम इस तरह से हम दिखा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्शनिंग भी साथ में कर देंगे। ये जो राड है हमारी, ये शाफ्ट का कार्य कर रही है, स्क्वायर राड, सर्कुलर राड है। स्क्वायर राड का यूज हमने काटर पर किया था और यहाँ पर हम सर्कुलर राड का काम कार्य कर रहे हैं और ये हमारी इस तरह से ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके बाद अब हमें क्या करना है कि सारे पैरामीटर्स को एक बार डार्क कर देना है। तो चलिए डार्क करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि सारे पैरामीटर्स को हमने डार्क कर लिया है। अब इसके बाद कौन कौन सी लाइंस हिडन होंगी, तो ये लाइंस हमारी ये जो है 32 डाया की, तो ये हमारी कार्टर से अंदर से नहीं पास होके जाएगी, ये हिडन लाइंस इसको हम डिनोट कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि इसको इस तरह से हिडन लाइंस के रूप में इंडिकेट करा दिया, ऊपर भी रेफरेंस लाइन के नीचे से भी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है कि लोअर हाफ सेक्शनिंग करनी है। तो जब लोअर हाफ सेक्शनिंग हम करेंगे तो क्या करेंगे कि ऊपर के पार्ट्स में यदि आपको लाइनिंग करना है, लाइनिंग करिए पूरी जिस तरह से अभी इस समय, या तो आप इसको हिडन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम हिडन इसको कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिडन भी इसको कर सकते हो। तो चलिए हम भी हिडन कर देते हैं। आप इसको या तो फुली लाइन रख सकते हैं या तो आप इसको हिडन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसको हिडन लाइंस में दिखा दिया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमने हिडन लाइन से इसको
इंडिकेट किया है, तो इसे हमें ये पता चल रहा है कि हम लोअर पोर्शन पर केवल हम सेक्शनिंग करेंगे, लोअर पार्ट्स पर ही केवल सेक्शनिंग करेंगे, अदर पार्ट्स पर हम सेक्शनिंग नहीं करेंगे। और इस तरह से इसको भी हमने बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमें सेक्शनिंग करनी है। तो चलिए अब हम पहला डायमेंशन मेंशन करा दें या फिर हम सेक्शनिंग कर लेते हैं पहले, तो सबसे पहले हम सेक्शनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस तरह से हमें सेक्शनिंग करनी है, ये लोअर हाफ पोर्शन पर हमें सेक्शनिंग करनी है क्योंकि क्वेश्चन पर भी हमारे इस तरह से सेक्शनिंग की गई है, तो मतलब वन हाफ पर सेक्शनिंग की गई है। और यहाँ पर हमसे बोला भी गया है कि लोअर हाफ इन सेक्शन, देखिए बेटा लोअर हाफ इन सेक्शन आपको करना है क्वेश्चन पर, एंड आपको साइड व्यू भी दिखाना है, लेकिन हम इसका टॉप व्यू भी बनाएंगे। तो चलिए आप सेक्शनिंग कर देते हैं लोअर हाफ सेक्शन पर इस तरह से। ये हमारा साकेट है बेटा, सेक्शनिंग कर देते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमें एक क्लियरेंस 3 mm का देना है। तो यहाँ से इस तरह से मैंने क्लियरेंस लिया एंड यहाँ से भी 3 mm का मैंने इस तरह से क्लियरेंस ले लिया। और फिर इसके बाद यहाँ से अब हमें क्या करना है बेटा कि लाइंस इस तरह से एंड इस तरह से हमें ड्रा कर देनी है। और इस यहाँ पर हमें सेक्शनिंग नहीं करनी होती है क्लियरेंस पे, तो इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी। इस तरह से हमने सॉकेट पर सेक्शनिंग कर दिया है और कर भी रहे हैं अभी। तो लोअर हाफ पोर्शन के लिए बोला गया है, तो ये सारा कुछ रेफरेंस लाइन के नीचे होगा, या तो आपसे बोलेगा बॉटम हाफ पोर्शन पर या लोअर हाफ पोर्शन पर, तो इसका मतलब होता है कि सारा सेक्शनिंग जो हमारी होगी नीचे होगी। एंड यदि वो अपर हाफ पोर्शन बोलता तो नीचे की लाइंस को, सारी लाइंस को हम हिडन कर देते और ऊपर हम सेक्शनिंग दिखा देते। तो अब इसके बाद हमें सेक्शनिंग कहाँ करनी है, यहाँ पर ये जो हमारा स्पाई गार्ड जा रहा है, तो यहाँ पर अब हमें सेक्शनिंग करनी है यहाँ से। तो यहाँ से सेक्शनिंग हम अपोजिट डायरेक्शन पर करेंगे, इस तरह से हम सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि पूरे पार्ट्स पर सेक्शनिंग कर ली। अब जब हमने पूरे पार्ट्स पर सेक्शनिंग कर ली है तो अब यहाँ पर हमें अब डायमेंशन शो करानी है। तो डायमेंशन सबसे पहले हम कहाँ पर शो कराना स्टार्ट करेंगे, इधर से इस तरह से हम डायमेंशन शो कराना स्टार्ट करते हैं। कौन सी डायमेंशन हमारी कितनी है, कौन सी डाया से है, कितना डाया है किसका, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए इस तरह से हम यहाँ पर आप एरो सही से बनाइएगा। इसका डाया कितना है बेटा, फाइव ट्वेंटी फाइव। इसका डाया कितना है बेटा, फाइव 44। इसका डाया कितना है बेटा, इसका डाया फाइव 32 है बेटा, इसका 32, इसका 544, इसका 564। तो यहाँ पर हमने क्या शो कराया, ये हमारा बड़ा वाला जो है, ये जो सॉकेट पे लग रहा है, तो इसका डाया कितना है 64। फिर इसके बाद ये जो हमारा कार्टर का स्पाई गार्ड का जो कॉलर है, तो स्पाई गार्ड के कॉलर का डाया कितना है 44। फिर इसके बाद ये जो हमारा जार्ड है, तो जार्ड का डाया कितना है 32। फिर इसके बाद ये जो हमारी मेन बाहर जो शाफ्ट है, तो उसका डाया कितना है 25। अब इसके बाद मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए
मेजरमेंट भी कर लेते हैं इस तरह से। हम मेजरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं रेफरेंस लेते हुए एक लाइंस का, और इस तरह से हमें क्या करना है कि मेजरमेंट्स शो करा देना। तो चलिए मेजरमेंट्स हम करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 12, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है बेटा 25, फिर यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना है 60, फिर यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना है बेटा 20। तो हमने ये सारा कुछ मेंशन करा लिया। अब यहाँ पर हम शो कराते हैं कि ये जो हमारा क्लियरेंस है यहाँ पर कितना है। यहाँ पर क्लियरेंस जो है हमारा 3 है, यहाँ पर भी हमारा जो क्लियरेंस है ये कितना है बेटा 3 है। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम शो कराते हैं कि ये कितना है हमारा, ये हमारा 26 है, कार्टर का नीचे का पार्ट्स 26 और ऊपर का पार्ट्स कितना है 34। इस तरह से ऊपर का पार्ट्स हमारा कितना है बेटा 34 है। तो चलिए अब यहाँ पर हम मेंशन कराते हैं कि कौन सा पार्ट्स क्या है। ये हमारा बेटा क्या है, ये हमारा स्पाई गार्ड है, इसे हम स्पाई गार्ड बोलते हैं। एंड फिर ये हमारा स्पाई गार्ड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या है, सॉकेट है, ये हमारा सॉकेट है, ये हमारा क्लियरेंस है, और ये हमारा कार्टर है, और यहाँ से ये हमारी क्या है अंदर की जो है वो कार्टर की राड है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया बेटा फ्रंट व्यू, इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू बन गया है। अब इसके बाद अब हमें इसका क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। तो चलिए अब इसका साइड व्यू भी हम देखते हैं कि किस तरह से इसका साइड व्यू बनेगा। तो जब हम इसको अब इधर से देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे, तो फ्रंट व्यू साइड व्यू इसका कहाँ पर बनेगा, इस लेफ्ट में। जब हम इधर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, लेफ्ट से देख रहे हैं, तो साइड व्यू इसका राइट पर बनेगा जाके। तो मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लिया, ठीक है बेटा, और रेफरेंस लाइन को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि जिससे हमें कोई असुविधा ना हो बनाने में। और फिर इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से भी हम क्या करेंगे कि एक रेफरेंस लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रा कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे जब सर्कुलर है तो ये सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पर हमें सर्कुलर दिखाई देगा, तो ये सर्कल के आकार पर हमें दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले 12.5 mm डाया लेके एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि जब हम इस साइड से देखेंगे तो हमें 25 mm डाया दिखाई देगा, 25 का, 44 का एंड 64 का। अंदर का ये जो 32 mm की राड गई है तो ये हमें नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5 मेजर करके एक सर्कल बनाएंगे पहले, ये जो हमारी शाफ्ट है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि सर्कल बनाना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया। तो ये हमारा कौन सा सर्कल होगा, प्रोजेक्शंस के थ्रू भी आप इसको सीख सकते हो, बना सकते हो। इस तरह से यहाँ से प्रोजेक्शंस हमारा आ जाएगा,
इस तरह से हमारा क्या है कि प्रोजेक्शंस, ये सर्कल थोड़ा सा प्रोजेक्शंस हमें यहाँ से अब ले ले। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि प्रोजेक्शंस लेके बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हमें कितना दिखाई देगा, 32 mm का। तो 32 mm का हम क्या करेंगे, 32 mm का डाया दिखाई देगा, तो 16 mm की हम रेडियस लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने 16 mm की रेडियस लेकर यहीं से एक सर्कल हमें बना देना, लेकिन ये जो सर्कल आएगा हिडन होगा, लेकिन हम इसको हिडन को नहीं शो कराएंगे। तो हमें यहाँ से 44 mm डाया का सर्कल दिखाई देगा। तो जब ये 44 mm डाया का सर्कल दिखाई देगा तो 22 mm इसकी रेडियस आएगी, और इस तरह से हम 22 mm की रेडियस लेके सर्कल बना देंगे। चलिए बनाते हैं। इस तरह से हमने बना दिया सर्कल कितने का, 22 mm रेडियस लेके। इस तरह से सर्कल बना दिया, और प्रोजेक्शंस भी हमें लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से प्रोजेक्शंस भी हमने ले लिया कि कहाँ से प्रोजेक्शंस लेके हमने बनाया है, और यहाँ से भी हमने इसी तरह से दिखा दिया प्रोजेक्शंस लाइंस को, इस तरह से हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि शाफ्ट का डाया ये भी 25 है बेटा, और ये भी 25 ही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि प्रोजेक्शंस लाइंस कहाँ से लेनी है, ये इस वाले डाया से। तो ये डाया हमारा कितना है बेटा, ये डाया हमारा 64 mm का है। तो इस तरह से हम प्रोजेक्शंस लाइंस ले लेंगे। इस तरह से ऊपर से भी एंड नीचे से भी और 32 mm रेडियस लेके हम सर्कल बना देंगे। तो चलिए अब 32 mm रेडियस ले लेते हैं। इसको बेटा प्रोजेक्शंस में हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, चलिए फिर से प्रोजेक्शंस ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सर्कल बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा सर्कल यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए प्रोजेक्शंस ले लेते हैं फिर से एक बार। तो प्रोजेक्शंस हमारा इस तरह से आएगा यहाँ पर। इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि प्रोजेक्शंस ले लिया। तो अब इसके बाद ये जो अंदर वाला है, अब इसके बाद हमें काटर का भी प्रोजेक्शंस लेना है। तो इस तरह से हमने काटर का भी प्रोजेक्शंस इस तरह से ले लिया, और फिर इसके बाद नीचे आए तो यहाँ से भी हमने इस तरह से प्रोजेक्शंस ले लिया। इस तरह से हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इसके बाद बेटा काटर की हमें थिकनेस कितनी दी गई है, काटर की थिकनेस हमें 6 mm दी गई है। तो 3 mm लेफ्ट में एंड 3 mm राइट पर हम मेंशन कराते हैं। 3 mm लेफ्ट, 3 mm राइट पर हमने पॉइंट मार्क कर लिया, और इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से आए, और इस लाइंस को जहाँ तक हमें काटर दिखाई दे रहा है पूरी लाइंस आएगी, बाकी हिडन लाइंस आएगी, क्योंकि अंदर हमें काटर बाहर से देखने पे, साइड से देखने पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ से भी हमने इस तरह से लाइंस ड्रा कर दी। अब फिर इसके बाद ऊपर हम क्या करेंगे, फ्री हैंड इस तरह से बना देंगे, और ये हमारा क्या हो गया, काटर हो गया। अब हमने यहाँ पर काटर की लेंथ नहीं शो कराई बेटा, तो ये भी हमें यहाँ पर आकर काटर की लेंथ भी हमें शो करा देनी है। तो काटर की लेंथ हमें कितनी दी गई है, 100, कितनी दी गई है, ये 100 हमें
कार्टर की लेंथ दी गई है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया और ये साइड व्यू हो गया। सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है कि बेटा सेक्शनिंग कर देनी है इस तरह से, क्योंकि ये बाहर से हमें दिखाई दे रहा है पूरी तरह से और ये कहीं से कटा हुआ पार्ट्स है, तो इसलिए यहाँ पर हम सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको लोअर हाफ पोर्शन पे साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू आपको बनाना है, तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमारी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन चलिए अब इस पर हम क्या करेंगे कि बेटा अब इसका हम टॉप व्यू भी देखेंगे। तो चलिए अब इसका हम टॉप व्यू भी देखते हैं। तो अब इसका टॉप व्यू देखने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोजेक्शंस लेने होंगे। तो चलिए हम प्रोजेक्शंस लेना यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमारा प्रोजेक्शंस की लाइंस आ जाएंगी इस तरह से, और इसके बाद अब हमें वर्क करना है सीधे प्रोजेक्शंस लेके ही। तो प्रोजेक्शंस लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमने यहाँ से प्रोजेक्शंस लिया, इसके बाद इस पॉइंट से भी हमने प्रोजेक्शंस लिया, तो कुछ हमारा इस तरह से आ गया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सबसे ज़्यादा डायामीटर कितना दिया गया है बेटा, 64 हमें दिया गया है। हमारा सबसे बड़ा डाया कितना है, 64 mm का है। तो चलिए 64 mm का है तो यहीं से हम मेजर कर लेते हैं कि 64 हमारा कहाँ से आएगा। तो चलिए मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो 64 के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एंड 64 यहाँ तक हमें मिलेगा, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, 32। इस तरह से इसका हाफ आ गया 32 mm। और फिर इसके बाद इसी रेफरेंस लाइन को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से हम इस तरह से रेफरेंस लाइन्स भी हम बना देंगे। तो इस तरह से अब हम टॉप व्यू बनाने जा रहे हैं। ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने बना लिया है, अब इसके बाद हमें यहाँ से कितना चलना है, 12 mm। तो 12 mm अब हमें यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शंस ले लिया। तो जब प्रोजेक्शंस ले लिया है तो ये डाया हमारा कितना है, 44 का है। तो यहाँ से 22 mm ऊपर, देखिए 22 mm हमने ऊपर लिया एंड 22 mm नीचे इस तरह से लिया, और यहाँ से हमने इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हमने यहाँ इसको इधर से मैच करा दिया और इसको यहाँ से मैच करा दिए। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा कि ये हमारा स्पाई गार्ड का कॉलर बन चुका है, और यहाँ से हल्का सा कर्व का रूप भी हमने इस तरह से दे दिया। अब इसके बाद हमें प्रोजेक्शंस लेना है किस चीज़ का, अब इसके बाद हमें प्रोजेक्शंस लेना है यहाँ से। तो यहाँ से चलिए अब हम प्रोजेक्शंस ले लेते हैं इस तरह से, इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसका डाया कितना दिया गया बेटा, 64। तो 32 mm ऊपर, 32 mm इस तरह से हमें इसका डाया दिया गया। तो यहाँ से इस तरह से हमारा आ गया, और यहाँ पर भी इस तरह से हमारा आ जाएगा, और इसको हमने हिडन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से मेजर किया एंड यहाँ से भी हमने मेजर कर लिया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ मेजर करना है इस चीज़ का मेजर करना है। तो ये हमें कितना दिया गया है, 32 mm दिया गया। तो ये 32 mm दिया गया है, तो 16 mm ऊपर, 16 mm नीचे से फिर हमें क्या करना है, शाफ्ट बना देनी है।
इस तरह से 16 mm ऊपर 16 mm नीचे। और यहाँ से हमने क्या किया कि रेफरेंस लाइन ली, और रेफरेंस लाइन लेने के बाद यहीं से अब हमें क्या करना है कि यहीं से इसी पॉइंट से हमें ये हिडन रहेगा, क्योंकि टॉप से आप जब देखोगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई नहीं देगा तो ये हमारा कैसा आएगा बेटा, हिडन आएगा। तो इस तरह से हम इसको हिडन बनाएंगे, इस तरह से हम अब इसको हिडन बनाएंगे। तो ये चलिए हम हिडन, हमने इसको इस तरह से बना दिया, इस पॉइंट से भी इस तरह से इसको हिडन ले लिया, इस तरह से हमने इसको हिडन पार्ट्स में ले लिया। अब इसके बाद हमें कहाँ से प्रोजेक्शंस लेना, ये लाइन से तो हमारी हो गई, और फिर इसके बाद कहाँ से मेजर हमें करना है कि इस लाइन से हमें 60 mm, इस लाइन से हमने क्या किया कि 60 mm का मेजर किया, यहाँ पर मुझे 60 mm मिला। तो अब हमें क्या करना है कि बेटा कि ये जो 60 mm है तो इसी को यहाँ से इस तरह से हमारी प्रोजेक्शंस लाइंस आ जाएगी। तो ये किस तरह से आएगी, इस तरह से यहाँ पर हिडन रहेगी, एंड इसके पहले जो हमारा है वो भी लाइंस आएगी, लेकिन वो भी हमारी 5 mm जो है वो भी हिडन रहेगा। चलिए प्रोजेक्शंस लाइंस हम शो करा देते हैं कि कहाँ से हमने प्रोजेक्शंस लिया है, इस तरह से हमने इसको शो करा दिया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्या बचता है कि ये तो डॉट्स का प्रोजेक्शन हो गया जो हमें हिडन दिखाई देगी, तो हमने इसका भी प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इसके बाद हमें काटर का प्रोजेक्शंस लेना है, तो काटर का प्रोजेक्शंस हमें लेना है। तो काटर के प्रोजेक्शन के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स गिवेन है, तो कहाँ से कहाँ तक गिवेन है, एक तो यहाँ तक है हमारा, तो यहाँ तक हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से जब टॉप से आप देखोगे तो इस तरह से एक लाइन दिखाई देगी, दूसरी हमें इस तरह से दिखाई देगी। तो चलिए यहाँ से हम इस तरह से प्रोजेक्शन हिडन लाइंस के रूप में ले लेते हैं, और फिर यहाँ पर भी इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया, इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इसके बाद हमें एक लाइन चाहिए, तो इसकी थिकनेस हमें दिखाई देगी, ये चीज़ हमें टैप से दिखाई देगी, तो थिकनेस हमें कितनी दी गई है, 6 mm दी गई है। तो सेंट इसी पॉइंट से कितना, 3 mm ऊपर 3 mm नीचे, और यहाँ से अब हमें क्या करना है बेटा कि इसको मैच करा देना इस तरह से, क्योंकि ये हमें पूरी दिखाई देगी, तो इस तरह से हमने इसको मैच करा दिया। और फिर इसके बाद यहाँ से ये जो कर्व का रूप है ये भी हमें दिखाई देगा, तो इसको भी हमने फ्री हैंड बना दिया। अब इसके बाद हमें और क्या दिखाई देगा, टॉप से देखने पे हमें ये जो काटर, ये जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस है, तो ये भी हमें दिखाई देगा, ये जो हमारा क्लियरेंस है तो ये भी हमें दिखाई देगा। तो क्लियरेंस को भी हम शो करा देते हैं, किस तरह से, यहीं से हम क्लियरेंस के लिए भी प्रोजेक्शंस लेंगे, तो वो हमारा कुछ इस तरह से यहीं पर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्लियरेंस का प्रोजेक्शंस हमारा यहीं पर आ रहा है। तो चलिए ये क्लियरेंस हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद प्रोजेक्शंस तो हमने ले लिए, सारे प्रोजेक्शंस ले लिए और क्लियरेंस भी ले लिया, हर चीज़ हमने ले ली। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा आगे चलना है, तो थोड़ा सा आगे चलने के लिए अब हमें क्या करना है कि इस लाइन्स को लेते हुए इस लाइन से इस तरह से प्रोजेक्शंस हमें ले लेना है। तो अब जब इस लाइन से हमें प्रोजेक्शंस ले लेना है, तो अब ये जो हमारी 44 mm डाया वाली लाइन है, तो यहाँ से हमारा ये प्रोजेक्शंस इस तरह से हमने इसको लिया रेफरेंस, और यहाँ से इस तरह से हमने मिला दिया, और फिर यहाँ से भी हमने इसको इस तरह से मैच करा दिया। अब मैच कराने के बाद
हमने क्या किया कि यहाँ पर कर्व का रूप दे दिया, यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर भी चैम्फरिंग कर दी। अब इसके बाद हमें कितना डाया लेना है बेटा, तो अब हमें जो डाया लेना है तो वो डाया हमारा कितना आएगा, तो वो डाया अब हमारा आएगा 12.5 ऊपर 12.5 नीचे, मतलब 25 mm डाया हमारा आएगा। तो चलिए हम 25 mm डाया ले लेते हैं, 12.5 ऊपर 12.5 नीचे, और यहाँ से प्रोजेक्शंस लेते हुए इस तरह से इधर लाइन और यहाँ से इस तरह से इधर लाइन शो करा देंगे। फिर इसके बाद ये जो प्रोजेक्शंस लाइंस हैं तो इनको हमने इधर से एंड इधर से भी प्रोजेक्शंस लाइंस को हमने शो करा दिया, और आखिरी प्रोजेक्शन लाइंस हमने यहाँ से भी इस तरह से ले ली। तो इस तरह से हमारी यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लाइंस आ गई, और इस ये जो रेफरेंस लाइन है इसको हल्का सा इंक्रीज कर लिया। तो जब इंक्रीज हमने कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से भी हम इस तरह से एंड इसको हम रब करेंगे, रब करने के बाद फिर यहाँ से भी हम इस तरह से बना के यहाँ पर भी सेक्शनिंग कर देंगे, ब्रोकन पोर्शन शो करा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है कि ये हमारा साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या है बेटा, टॉप व्यू। इस तरह से हमारा ये टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये डार्क कर सकते हैं केवल, कि कितना पार्ट्स हमारा आएगा, तो चलिए उसको डार्क कर लेते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ बची हुई है तो उसको भी अभी हम बनाएंगे, उसको भी अभी हम बनाते हैं। पहले डार्क कर लें सारा जो पार्ट्स हमें दिखाई देगा अच्छे से। इस तरह से हमने इसको डार्क कर लिया। अब डार्क करने के बाद अब हमारा एक पार्ट्स छूटा हुआ है जो हमने नहीं बनाया, तो वो पार्ट्स हमारा क्या है बेटा, ये जो लाइंस है ये जो है तो इसका भी हमें प्रोजेक्शंस लेना होगा। तो इस तरह से हमने इसका भी प्रोजेक्शंस इस तरह से हिडन फॉर्म पर आ जाएगा हमारा, या पूरी डार्क लाइन ही आप बना सकते हो। तो ये हमारा प्रोजेक्शन था, ये हिडन लाइंस पर आएगा आपका, तो हिडन लाइंस ही हम बना देते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी पार्ट्स हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसको भी हम हिडन कर देते हैं बेटा। तो इस तरह से इसको भी हमने हिडन कर दिया, क्योंकि जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पे हमें ये शाफ्ट दिखाई देगी, ये कॉलर दिखाई देगी, स्पाई गार्ड की कॉलर दिखाई देगी, फिर इसके बाद सॉकेट की कॉलर हमें दिखाई देगी, काटर दिखाई देगा, तो काटर का कौन सा पार्ट्स ऊपर का, और ये जो सर्कुलर पार्ट्स है ये हमें दिखाई देगा। तो मतलब इसकी थिकनेस जो है 6 mm जो हमें दी गई है वो हमें दिखाई देगी। फिर इसके बाद हमें ये क्लियरेंस भी दिखाई देगा, इसके बाद ये पार्ट्स हमें दिखाई देगा, और फिर इधर ये सॉकेट दिखाई देगा। तो हमने सारे पार्ट्स बना लिए हैं, देखिए ऊपर से शाफ्ट दिखाई देगी, शाफ्ट 25 mm की बना ली है। फिर ये 44 mm का हमें स्पाई गार्ड की कॉलर दिखाई देगी, इसको भी हमने मेंशन कर लिया है। फिर इसके बाद ये जो हमारी 64 mm डाया की सॉकेट की कॉलर है ये भी हमें दिखाई देगी। फिर ये काटर का ये पार्ट्स दिखाई देगा, तो इस पार्ट्स को हमने मेंशन कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, ये आउटर पार्ट्स हमें दिखाई देगा, कवर सॉकेट का,
सॉकेट दिखाई देगा तो ये हमने बना लिया, और ये शाफ्ट हमें दिखाई देगा तो हमने इसको भी बना लिया। तो इस तरह से ही हमारा टैब व्यू बन गया। लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर और क्या क्या है, तो वो उस मैकेनिज्म को भी हमने यहाँ पर अंदर शो करा दिया। तो इस तरह से ये आपको आपकी स्पाई गार्ड एंड सॉकेट जॉइंट असेंबली थी, जिसको हमने सारे व्यू में देख लिया है। क्वेश्चन पर तो आपके मेंशन था सिर्फ आपको दो व्यू बनाने हैं और लोअर हाफ इन सेक्शन करना है, फ्रंट व्यू एंड इसका आपको साइड व्यू बनाना था, लेकिन हमने यहाँ पर इसका टॉप व्यू भी बना दिया है। चलिए ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू हमने बना दिया। अब ये जो साइड व्यू हमारा बना हुआ है बेटा, तो ये कौन सा साइड व्यू है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू है, क्योंकि हमने लेफ्ट से देखा है राइट में बनाया है। तो इस तरह से ये हमारा स्पाई गार्ड एंड सॉकेट जॉइंट की असेंबली की जाती है। और इसका हमने एक क्वेश्चन देख लिया है पहले, नेक्स्ट वीडियो में हमने इससे पहले जो वीडियो था उस पर हमने देखा था कि इसकी असेंबली का प्रोसेस क्या होता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आपसे क्वेश्चन कभी कभी डेराइव कर दिया जाता है कि 20 mm डाया का आपको स्पाई गार्ड एंड सॉकेट की असेंबली करनी है, और बाकी क्वेश्चन आपको नहीं मेंशन किया जाता है, कोई भी सॉकेट की कॉलर, स्पाई गार्ड की कॉलर या कार्टर आपको नहीं मेंशन किया जाता है, तब हम उन पैरामीटर्स का यूज करके स्पाई गार्ड एंड सॉकेट जॉइंट की असेंबली कर लेते हैं। तो ये हमारा था स्पाई गार्ड एंड सॉकेट जॉइंट असेंबली। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं।